माँ की दुआ बुरा वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। गुरु माँ रुक्मणी जी से निशुल्क मिले हर गुरुवार जनता दरबार। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आकर मिले 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। जय शनि। प्रिय भक्तों, आज एक शिष्य ने हमसे एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है और वो प्रश्न आपके भी काम आएगा, इसीलिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। उन्होंने पूछा है कि जब भी हम पूजा करते हैं, पूजा में जोत जलाते हैं, उस जोत में हमें कुछ आकृतियां नजर आती हैं। अगर सरल भाषा में कहूँ तो ज्योति के अंदर अलग अलग तरह की चीजें खिल जाती हैं, पुष्प, लौंग, इस प्रकार से उनको आकृति दिखाई देती है। तो यही पूछा है उन्होंने कि इसका अर्थ क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको भी उत्तर दे रही हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ कि बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आप पूजा करते हैं और उस पूजा के अंदर आपकी जो ज्योत है, जो बत्ती है, अगर वो खिल जाती है, पुष्प के समान हो जाती है, फूल की तरह खिल जाती है, उसके कितनी भी पंखुड़ियां हो सकती हैं, तो ये बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। जब भी पूजा में आप बैठे और बैठने के बाद आपका खूब मन लगा, आपका भगवान से कनेक्शन हो गया, ईश्वर को याद करते समय आपको कुछ भी और याद ना रहा, उसी समय समझ जाइए कि आपका ईश्वर से एकाकार हो रहा है। और जब एकाकार होगा तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से ये बत्ती के रूप में भगवान हमें चमत्कार दिखाते हैं, हमें संकेत देते हैं कि आज हमारी पूजा सफल हुई है, हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो प्रार्थना है, वो ईश्वर तक पहुंची है। यही इस बत्ती से, इस पुष्प से हमें संकेत मिलता है। पुष्प की कितनी भी पंखुड़ियां हो सकती हैं और जितनी पंखुड़ियां होंगी आप समझिए आपकी पूजा उतनी ही सफल है। ये बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा संकेत है। और ये संकेत देखो उन्हीं को मिलता है जो भक्त हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम ही श्रद्धा है। जब भी श्रद्धा आपके मन में होगी प्रगाढ़, ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, गुरुदेव के प्रति, तो हमेशा ही आपको कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिलेंगे। और अगर बुद्धि आपकी तर्क में ही फंसती रहेगी तो आप चमत्कारों से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए श्रद्धापूर्ण भक्ति करने का प्रयास करें। अब श्रद्धा कैसे बढ़ाएं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। बहुत सरल है, संतों की वाणी सुनो। जिनको श्रद्धा है ऐसे लोगों के साथ सत्संग करो। सत्संग का अर्थ क्या है? यही तो अर्थ है जिसने उसे पा लिया, जो उसकी चर्चा करता है, जिसे उसके साथ आनंद मिलता है, जो उस ईश्वर में रमता है, उसके साथ संग करो, उसके साथ बैठो, उठो, बातें करो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो कोई संत हो, चाहे कोई गुरु हो, उनके साथ जितना मिलोगे जुलोगे, उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो भक्ति है, स्वतः ही आपके हृदय में आने लगेगी। एक बार श्री नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के कहते हैं, हे विष्णु, मैं जब भी पृथ्वी लोक पे जाता हूँ, आपके बहुत सारे भक्त मुझसे आपका पता, आपका एड्रेस मांगते हैं, ऐसे में मैं क्या करूँ? आप ही मुझे बताओ, मैं उन्हें क्या बताऊँ? आप किसी विशेष मंदिर में रहते हैं क्या? क्या मैं उन्हें ये बता दूँ कि आप मंदिरों में मिलते हैं, या मैं उन्हें ये बता दूँ कि आप किसी योगी के हृदय में बसते हैं? आप ही बताइए प्रभु कि मैं उन्हें क्या कहूँ। तब भगवान श्री विष्णु ने एक बहुत सुंदर बात कही है, ना हम बसामि वैकुंठे योगि नाम हृदय नाच, मद भक्तः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही मैं किसी योगी के हृदय में वास करता हूँ, ना ही मैं मंदिर में वास करता हूँ, मैं वहाँ वास करता हूँ जहाँ भक्त श्रद्धा और भक्ति से मुझे पुकारते हैं, मेरा सत्संग करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जहाँ भी मेरा कीर्तन होता है, जहाँ भी मेरे भक्त मुझे याद करते हैं, वही मैं वास करता हूँ।
तो अगर आपके साथ भी ऐसा चमत्कार होता है तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि करोड़ों लाखों लोगों में से आप एक हो जिससे भगवान का एक ही कार्य हो रहा है और आपको ईश्वर ऐसे चमत्कार ऐसे संकेत दे रहे हैं। और जिसके साथ नहीं हो रहा है बिल्कुल भी निराश मत होइए, आपको केवल अपनी भक्ति बढ़ानी है, अपनी श्रद्धा बढ़ानी है। जैसे जैसे भक्ति के मार्ग पर उन्नति होगी, जैसे जैसे आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, उसी तरह से आपको भी ऐसे चमत्कार दिखने लगेंगे। आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव। मैं शांतनु हिमाचल प्रदेश शिमला का रहने वाला हूँ। मुझे गुरु माँ से जुड़े हुए 1 साल हो गए हैं और मैं भी काफ़ी परेशान रहता था अपनी लाइफ को लेके, समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने गुरु माँ से कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने मुझे कुछ रत्न दिए पहनने को और कुछ उपाय बताए जिससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ है। और मैं गुरु माँ की भी पूजा बहुत करता था। इसी के साथ साथ मुझे 1 साल हो गए हैं और एक दिन मुझे सपने में गुरु माँ के दर्शन हुए और गुरु माँ ने मेरे कान में एक मंत्र बोला है और कहा है इसी से ही तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, जो भी तुम्हारे काम रुके हैं इसी कारण रुके हैं, तुम ये मंत्र जाप करते रहना प्रतिदिन, ये आपकी लाइफ में बहुत फायदा करेगा। तो मैं कहना चाहूँगा अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप भी गुरु माँ से जुड़े, उनसे संपर्क करें और समाधान पाए। जय शनिदेव, जय गुरु। जय शनिदेव। सही की समस्या का निवारण करने के लिए अपने 10 वर्षों की साधना, तपस्या और अनुसंधान के बाद मैं गुरु महात्मनी लाई हूँ आप सबके कष्टों को दूर करने के लिए मंत्र सिद्ध सत मनोकामना सिद्धि लॉकेट। 9 रत्नों वाले इस लॉकेट को अपने गले में धारण करने से आपको समस्त नौकरे शुभ फल प्रदान करने लगते हैं और नीचे लगी ये जो दिव्य कर्क पौड़ी है, जब ये आपके शरीर को स्पर्श करती है तो ऋग्वेद की श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं और लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण ये आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्या को दूर करती है, कर्जों से मुक्ति दिलाती है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आती है। बाजार में मिलने वाले अन्य रत्नों की अंगूठियां और लॉकेट किसी सिद्ध पुरुष द्वारा 3 दिन तक मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत नहीं होते हैं। इसी कारण इस कलयुग में बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें सच में रत्नों का प्रभाव महसूस होता है। हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से हम 133 देशों के लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल गुरु रजनीश जी, जिसपे आज 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर जाकर के आप ऐसे चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त किए हुए हजारों लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध सर्व मनोकामना सिद्धि लॉकेट को प्राप्त करने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में आप ही कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें। जय शक्ति। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।